गाइस, मैं हूं मेगा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, अभी मैं पहुंच चुकी हूं फूड लाइब्रेरी। तो गाइस, आपने बहुत सारी पाव भाजी खाई होगी, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट फ्लेवर। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूं इटालियन भाजी पाव। तो कैसे बनती है और उसका टेस्ट कैसा है, वो जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा अंदर। तो चलिए मेरे साथ जाते हैं अभी हम अंदर। मैं अभी फूड लाइब्रेरी के अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का जो माहौल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एकदम आइकॉनिक है। और अभी मैं ऑर्डर करने वाली हूँ इटालियन भाजी पाव। और उसके अलावा मैं ट्राई करूँगी, और क्या ट्राई करें, तो मैं ट्राई करूँगी पानकिंग। तो चलिए अभी कैसे बनती है वो देखते हैं और उसके बाद ट्राई करूँगी। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ किचन में कि यहाँ पे इटालियन भाजी पाव कैसे बनती है वो देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। आ चुके हैं किचन में। सो गाइज, मैंने दो वैरायटी ऑर्डर किए हैं। तो यहाँ पे अभी बनने जा रहे हैं इटालियन भाजी पाव। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनती है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप डालोगे वो हमें बताना। तो बटर गिर रहा है इसमें, सैलरी जा रहा है इसमें, गार्लिक एड हो रहा है। ओके, ऑनियन सर रेट हो रहा है, बेल पेपर रेट हो रहा है, इंग्लिश वेजिटेबल सर, जुगनी बुरकली बेबी कॉर्न, रेड केबिज, ओलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, चिल्ली फ्लेक्स,
ना। रेड सॉस, क्रीम सॉल्ट, बेसिल, ब्लैक होलिप्स, ग्रीन होलिप्स, सो गाइज मेरी इटालियन स्टाइल भाजी पाव आ चुकी है और ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इसको गार्निश किया गया है। और यहाँ पे ये जो पाव है वो भी आप देख सकते हो, गार्लिक पाव। बहुत ही एक्साइटेड हूँ इटालियन स्टाइल भाजी पाव ट्राई करने के लिए। तो चलिए मैं टेस्ट करती हूँ और इसको बता दूँ क्या। अरे वाह, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैंने आपको दिखाया कि कितने डिफरेंट थे।
वाकई में इटालियन स्टाइल भाजी पाव है, क्योंकि जो हमारे रेगुलर नॉर्मल भाजी पाव होती है उससे इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है। पहले जब मैं अंदर किचन में गई, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने देखा कि नहीं अभी आलू आएगा, अभी आलू आएगा, लेकिन नहीं, ये काफ़ी डिफरेंट इसका टेस्ट और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी यूनिक थे। आप भी आओ एक बार ट्राई करो, प्राइस की बाद में आपको बाद में बताती हूँ। का जो टेस्ट है वो मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा कि सिमिलर ऐसे पिज़्ज़ा के जैसा थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है, काफ़ी यूनिक है। आप एक बार आओ और ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया है, ये यूनिक चीज़ है, आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो ज़रूर आना यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे आके मैंने इटालियन स्टाइल भाजी पाव ट्राई की जो बहुत ही बढ़िया थी, इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी यूनिक था। अगर आपने भी ट्राई की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।